हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिश पकौड़ा की एक आसान सी रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी बड़ा सा फिश। मैंने रोहू फिश का सेंटर वाला पीस लिया है, यह 2-3 केजी का है। इसे मैंने अच्छी तरह धोकर 4-5 पानी से धो लिया है और हल्दी 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून नमक में 30 से 40 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। इसमें और लगने वाला सामग्री, मिर्चा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, क्योंकि नमक ऑलरेडी मछली में लगा हुआ है इसलिए हम नमक हिसाब से लेंगे। मैदा या आटा 1 कप, मैंने इस कप से 1 कप लिया है। धनिया पत्ती थोड़ी सी, जिसे मैंने धोकर कट कर लिया है। सूजी 3 टेबल स्पून। अब सबसे पहले हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सारे सामग्री को हम इसमें डाल देंगे। नमक हिसाब से डालना है। इसमें पानी डालकर इसे मिला लेंगे अच्छी तरह। इसका डो थोड़ा गाढ़ा ही बनेगा। इसे पतला बिल्कुल नहीं करना है, बस ऐसे ही गाढ़ा सा बनेगा इसका पेस्ट। गैस जलाकर तेल को अच्छी तरह गरम कर लें और इसमें मछली को अच्छी तरह से धोकर डाल दें। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह पकौड़ा बनाने के लिए 2 से 3 केजी का मछली लेंगे, ताकि बड़ा बड़ा कांटा होगा और कांटा निकालने में या खाने में आसानी होगी। जिन लोगों को मछली बनाना बहुत झंझट लगता है, उनके लिए यह बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत आराम से ये बना लेंगे। गैस को मीडियम टू लो के बीच में रखें। इसे हम चेक करते रहेंगे, इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने के बाद पलटना है। इसे हम ऐसे चेक कर लेंगे, यह ब्राउन हो चुका है, इसे हम पलट देंगे। दो से तीन मिनट के बाद यह तैयार हो जाएगा हमारा रोहू फिश का पकौड़ा। दोनों तरफ हमें ऐसा ही ब्राउन करना है। अब हम इधर भी चेक कर लेंगे। दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। सारे फिश को हम ऐसे ही डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए, हमारा क्रंची फिश पकौड़ा बनकर तैयार है।
इसे आप सॉस के साथ या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।